सुशांत सिंह राजपूत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने बॉलीवुड एक्टर के खाते से निकले हुए पैसे 15 करोड़ रुपए का सच सामने निकाल लिया है। जी आपको बता दें कि जांच से जुड़ी एक ईडी की माने तो कहा जा रहा है कि एजेंसियों ने पाया है कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया था। यही आरोप उनके पिता के सिंह ने भी लगाया था। सुशांत के बैंक खाते से रुपए ट्रांसफर किए गए। खबरों की माने तो एजेंसी ने यह पता लगाने की भी कोशिश की है कि सुशांत के अलावा उनके डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और उनके खाते से लेन देन कौन करता था। और ऐसे में सच सामने आया है जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत के खाते से दूसरे खातों में पैसे की लेन देन का उद्देश्य पता लगाने के लिए उनके अकाउंट को खंगाला जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि सुशांत के बैंक खाते के माध्यम किए गए भुगतान के तरीके की जांच की जाएगी। खबरों की माने तो 15 करोड़ रुपये में से लगभग 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने टैक्स की तरफ से किया। और इसी के साथ जांच से जुड़े एक और सच सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुशांत और रिया जो एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे उनके बीच कोई बड़ा लेन देन सामने नहीं आया। जिसने 31 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जिम्मा संभाला था इस बात को भी छानबीन कर ली गई है। और बात सामने आई है कि रिया और उनके भाई शोविक ने एक साथ मिलकर सुशांत के साथ कंपनियां कैसे बनाई। रिया विविड्रेज रियलिटिक्स कंपनी के निर्देशक है जबकि उनका भाई शोविक फ्रंट इंडिया 4 फ्लूड फाउंडेशन के डायरेक्टर है। सुशांत ने भी इनके साथ थे। खबरों की माने तो ईडी सुशांत और भाई बहनों के बैंक खातों का लेन देन पर अब काम कर रहा है। सुशांत के पिता के सिंह ने 25 जुलाई को बिहार पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज की थी 15 करोड़ रुपए की हेरफेरी का। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाया था। रिया पर उनके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट का मीडिया में खुलासा करने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। वहीं के सिंह ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से दूर करने का भी रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया। तो ये है 15 करोड़ रुपए का सच जहां पर बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए का लेन देन सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से हुआ है जिसमें से 2.5 करोड़ रुपये उन्होंने टैक्स भरा है और बाकी का पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया, इसकी जाँच अभी भी ईडी कर रहा है। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।